भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान अपनी वाइफ सफा बेग की एक फोटो को लेकर सुर्खियों में हैं। इरफान के बेटे इमरान के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की गई, जिसमें इरफान अपनी पत्नी सफा और बेटे के साथ दिखाई दे रहे हैं। फोटो में सफा के चेहरे को ब्लर किया गया है। सफा की ब्लर फोटो पर यूजर्स ने इरफान पर निशाना साधा। बाद में इरफान ने कड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी ने अपनी पसंद से इस तस्वीर में अपने चेहरे को ब्लर किया है और हाँ, मैं उसका मालिक नहीं, उसका साथी हूँ। इरफान पठान सोशल मीडिया पर सफा बेग की खूब फोटो शेयर करते हैं। हालांकि ज्यादातर फोटोज में सफा बुरके में रहती हैं। अगर वो बुरके में नहीं रहती हैं, तो उनके चेहरे को हाथों से ढका होता है। तस्वीरों को देखकर लगता है कि सफा अपना चेहरा दिखाने से बचती हैं। हालांकि ये उनका निजी फैसला हो सकता है। कई फोटोज ऐसी भी हैं जिसमें सफा मास्क लगाए हुए हैं, वहीं उनके साथ खड़े इरफान बिना मास्क के हैं। बता दें कि इरफान और सफा साल 2016 में वैवाहिक संबंध में बंधे थे। इरफान और सफा की शादी मक्का में हुई थी। सफा के पिता मिर्जा फारूक बेग सऊदी अरब के बिजनेसमैन हैं। कहा जाता है कि सफा और इरफान की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी। सफा का जन्म 28 फरवरी 1994 को हुआ था। सफा बेग सऊदी अरब के जेदा में ही बड़ी हुई और इंटरनेशनल इंडियन स्कूल से उनकी पढ़ाई हुई। 27 साल की सफा बेहद खूबसूरत हैं। वो मिडिल ईस्ट एशिया की मशहूर मॉडल रह चुकी हैं और कई नामी मैगजीन्स में उनकी तस्वीरें छप चुकी हैं। शादी के बाद सफा ने अपने जीवन को निजी रखना ही पसंद किया। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।